हम बना रहे हैं मिर्च पकौड़े, उसके लिए मैंने 2 कप बेसन लिया है। उसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसकी पेस्ट बनाएंगे। इसके बाद इसको रख देंगे 30 मिनट्स के लिए। हम स्टफिंग तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 बॉयल्ड आलू ले लिए हैं, उसको मैश कर लिया है। इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा जिसको भुना हुआ है मैंने, और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टेबल स्पून इमली का पल्प। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक फ्राई पैन और उसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून ऑयल। उसके बाद हम इस डाल देंगे इसमें आलू, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये हो चुके हैं, अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं हरी मिर्चें और इसके मैंने बीज निकाल लिए हैं। अब हम हरी मिर्चों में स्टफिंग डालेंगे। इसी तरीके से मैं सारी मिर्चों को तैयार कर लूँगी। मिर्चें हो गई हैं, अब हम जो है इसको कोट करेंगे बेसन में। जो हमने बेसन घोला था उसको मैं एक ग्लास में डाल रही हूँ, इससे ये है कि आसानी हो जाएगी जब हम मिर्चों को कोट करेंगे। तो ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें एक एक करके मिर्च डालेंगे और जब हो जाएंगी तो उसको पलट लेंगे। तो तैयार है हमारे ज़बरदस्त मिर्च पकौड़े।